दोस्तों सैमसंग जल्दी अपने दो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाले, सैमसंग एस ए सिक्स और सैमसंग एस ए सिक्स प्लस, ये दो स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से जल्दी इंडिया में आने वाले हैं। इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला आपको, सैमसंग एस ए सिक्स और ए सिक्स प्लस के बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले, किस प्राइस तक इंडिया में आ सकता है और कब तक इंडिया में आ जाएगा, सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सैमसंग एस ए सिक्स और ए सिक्स प्लस के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं इमरान। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, शुरू कर देते हैं वीडियो को। दोस्तों सैमसंग ने अपना सैमसंग एस ए सिक्स और ए सिक्स प्लस के स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली अपनी वेबसाइट में लिस्ट कर दिए, उसी के बेसिस में आपको बताने वाला हूँ इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग एस ए सिक्स में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, यहाँ पर आपको डिस्प्ले की साइज़ दी गई 5.6 इंच की डिस्प्ले की साइज़ दी गई, फुल एच डी प्लस का रेशन दिया गया, जो पिक्सल काउंट दिया गया 1480x720 पर आपको पिक्सल काउंट दिया गया। साथ ही में यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, इसका मतलब कलर थोड़े पंची मिलने वाले। साथ ही में यहाँ पर जो स्क्रीन की रेशियो मिलेगी 18:5:9 का रेशियो मिलने वाला है, इसका मतलब बेजल्स थोड़े कम मिलेगा, स्क्रीन की साइज ज़्यादा ही मिलने वाला। और यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलने वाला जो सैमसंग के हायर वेंट्स में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन मिलता है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है सैमसंग की तरफ से। सो ये तो बात है सैमसंग से ए सिक्स की। अब बात करते हैं सैमसंग से ए सिक्स प्लस की, यहाँ पर आपको डिस्प्ले की साइज दी गई 6 इंच की डिस्प्ले की साइज यहाँ दी गई, फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको पिक्सल काउंट दिया गया 20:20x1080 पर आपको पिक्सल काउंट यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर भी आपको साथ ही में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर आपको स्क्रीन की रेशियो मिलेगी 18:5 का रेशियो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पर भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पर भी दिया गया, लेकिन गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन मिलता है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों ये तो बात है सैमसंग से ए सिक्स और ए सिक्स प्लस की, दोनों के डिस्प्ले की बात। अब बात करते हैं आगे कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग से ए सिक्स की, यहाँ पर आपको रियर में सिंगल कैमरा मिलेगा, जो सेंसर दिया गया 16 MP सेंसर दिया गया, f1.7 का एपर्चर दिया गया, और बैक में आपको LED फ्लैश का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये तो बात है रियर कैमरे की। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरा को दिया गया 16 MP शूटर दिया गया f1.9 के एपर्चर के साथ दिया गया, और यहाँ पर भी आपको फ्रंट में LED फ्लैश का सपोर्ट भी मिल जाएगा लो रेटिंग में अच्छे पिक्चर्स लेने के लिए। दोस्तों ये तो बात है सैमसंग से ए सिक्स की बात। अब बात करते हैं सैमसंग से ए सिक्स प्लस की, यहाँ पर आपको रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा, प्राइमरी सेंसर है 16 MP का f1.7 के एपरेचर के साथ, सेकेंडरी सेंसर दिया गया 5 MP का f1.9 के एपरेचर के साथ, और यहाँ पर भी आपको बैक में LED फ्लैश का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा दिया गया 24 MP का शूटर दिया गया f1.9 के एपरेचर के साथ, और यहाँ पर भी आपको फ्रंट में LED फ्लैश का सपोर्ट मिल जाता है। कैमरा डिपार्टमेंट में सैमसंग से A6 प्लस एकदम बेस्ट है, फ्रंट भी आपको 24 MP मिल जाता है और बैक में को डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, बहुत अच्छा काम किया सैमसंग ने। दोस्तों ये तो बात है सैमसंग से A6 और A6 प्लस की कैमरा की बात। अब बात करते हैं उनके मेमोरी की। सबसे पहले सैमसंग से A6 में आपको मिलेगा 3 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, और माइक्रो एसडी कार्ड से एक्सपेंड कर पाओगे 256 GB तक। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया माइक्रो एसडी कार्ड के लिए, इसका मतलब आपको डुअल सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड सेम टाइम यूज़ कर पाओगे, ये बहुत अच्छा काम किया सैमसंग ने। अब बात करते हैं सैमसंग से A6 प्लस की, यहाँ पर आपको 4 GB की रैम मिलेगी, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, और यहाँ पर भी आप माइक्रो एसडी कार्ड से एक्सपेंड कर पाओगे 256 GB तक। और यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया माइक्रो एसडी कार्ड के लिए, इसका मतलब सेम टाइम में डुअल सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये तो बात रही इन दोनों की मेमोरी की बात। अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। सबसे पहले सैमसंग से A6 में आपको मिलेगा सैमसंग का खुद का प्रोसेसर मिलेगा एक्जीनो 7870 ऑप्टा का प्रोसेसर मिलेगा, और जो आपको CPU मिलेगा कॉर्टेक्स A53 CPU मिल जाएगा, और जो GPU दिया गया माली T830MP1 GPU दिया गया सैमसंग से A6 में। ये तो बात है सैमसंग से A6 की। अब बात करते हैं सैमसंग से A6 प्लस की, यहाँ पर आपको प्रोसेसर दिया कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑप्टा का प्रोसेसर दिया गया, यहाँ पर जो आपको CPU दिया कॉर्टेक्स A53 CPU यहाँ पर भी दिया गया, और यहाँ पर आपको GPU दिया गया एड्रीनो 506 GPU दिया गया है। दोस्तों ये दो बात थी इन दोनों की प्रोसेसर और GPU की बात। अब बात करते हैं इनके बैटरी की। सबसे पहले सैमसंग ऐसे A6 में आपको मिल जाता है 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और अनफॉर्चुनेटली आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है सैमसंग ऐसे A6 में। और सैमसंग ऐसे A6 प्लस में आपको बैटरी की एमएच दी गई 3500 mAh की बैटरी दी गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको अनफॉर्चुनेटली फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं OS की, दोनों में आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो आउट ऑफ बॉक्स मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं दोनों के कलर वेरिएंट्स के, दोनों में आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेंगे, एक ब्लैक कलर मिलने वाला है, एक गोल्ड कलर मिलने वाला है, ब्लू कलर ये दोनों में मिलने वाला है। ये तो बात है सैमसंग से A6 और A6 प्लस की पूरी पूरी स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग से A6 प्लस के प्राइस के बारे में। दोस्तों सैमसंग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और लॉन्च के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन सैमसंग ने ऑफिशियली डिटेल्स नहीं दिए इसकी प्राइस क्या होने वाले, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया किस प्राइस रेंज में सैमसंग से A6 और A6 प्लस आने वाले इंडिया में। दोस्तों रूमर्स के लिए सैमसंग से A6 की प्राइस बताई जा रही है
20,000 रुपीज़ के अंडर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा सैमसंग एस A6 को, और जो सैमसंग एस A6 प्लस होने वाला है उसकी प्राइस 25,000 रुपीज़ के अंडर होने वाले इंडिया में, क्योंकि सैमसंग एस A8 प्लस को इंडिया में लॉन्च किया गया 30,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में इंडिया में लॉन्च किया था। तो 5,000 रुपीज़ का सैमसंग थोड़ा हो सकता है गैप मेंटेन करें, मुझे ऐसा लगता है रूमर्स भी यही कह रही है। दोस्तों ये तो बात रही इन दोनों के प्राइस के बारे में, अब बात करते हैं कि लॉन्च के बारे में। दोस्तों कुछ रूमर्स कह रही है, कन्फर्म तो इन्फॉर्मेशन है किस डेट में ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये चाइना में लॉन्च होने वाला है और हो सकता है मिड मई तक इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए, सैमसंग की तरफ से दोनों के दिन स्मार्टफोन आ जाए। ये अभी तक कन्फर्म डेट नहीं आई है, कन्फर्म डेट आई जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वीडियो बना के। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या आपको सैमसंग से A6 प्लस और A6 प्लस को बाय करना चाहिए, ठीक रहेगा आपके लिए? दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं A6 की, यहाँ पर आपको कैमरा अच्छा मिलता है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है पुराना वाला सैमसंग का मिलता है एक्सिनो 7870, ये गलत के सैमसंग थोड़ा अपग्रेड कर सकती है प्रोसेसर के मामले में इस प्राइस ब्रैकेट में। अगर आप गेम्स कम खेलने वाले हो तो आप सैमसंग एस A6 को कंसिडर कर सकते हो, अगर आप पिक्चर्स ज़्यादा लेने वाले हो, मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हो तो आप सैमसंग एस A6 को कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं सैमसंग एस A6 प्लस की, यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, कैमरा तो यहाँ पर आपको कमाल का मिल जाता है क्योंकि आपको बैक में डुअल मिल जाता है, फ्रंट में 24 मेगापिक्सल, और ये सैमसंग एस A6 प्लस जो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ही होने वाला है सैमसंग की तरफ से। अगर आप सेल्फीज और पिक्चर्स ज़्यादा लेने वाले हो तो सैमसंग एस A6 आपके लिए बनाए एक बजट स्मार्टफोन के हिसाब से। इसमें भी आपको प्रोसेसर पुराना मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 मिलता है, इसमें भी सैमसंग को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, एटलीस्ट 630 तो दे ही सकती इस प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग, लेकिन सैमसंग ने अभी 450 को पकड़ के रखी है, ये बहुत गलत किया। लेकिन अगर आप गेम्स कम खेलने वाले हो स्मार्टफोन में, लेकिन आप पिक्चर्स ज़्यादा लेने वाले हो, मीडिया कंज्यूम ज़्यादा करने वाले हो, तो आप सैमसंग से A6 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन रहेगा। मैं कंसिडर नहीं करता, अगर आप गेम्स और मल्टीटास्किंग ज़्यादा करने वाले हो तो आप ये दोनों को भूल जाइए, आप दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अच्छे से स्मार्टफोन का। दोस्तों यही थी पूरी की इन्फॉर्मेशन सैमसंग से A6 और सैमसंग से A6 प्लस की। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सा अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब करके दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह के एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।